गुना एमपी में आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बीनागंज की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों का निर्माण जिस प्रकार मध्य प्रदेश में कराया है वह कांग्रेस सरकार ने 40 वर्षों में नहीं कराया। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ गरीब दीन दुखी व्यक्तियों का शोषण ही किया है, इस कारण आज पूरे देश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2023 का चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के अनेकानेक कार्य आज मध्य प्रदेश में किए हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना चलाकर पूरे प्रदेश की बहनों को एक शानदार उपहार भेंट किया है। वहीं दूसरी ओर जन जन की लाडली बहन प्रियंका मीना पेंची ने आज चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव भ्रमण करके जिस प्रकार से लोगों के कष्टों का निवारण किया है वह काबिले तारीफ है। जब मैं चाचौड़ा आया तो स्वागत सरकार जोश और उत्साह देख कर मैं सोच रहा था कि पत्थर की मार से तो दुनिया घायल होती है, लेकिन आज चाचौड़ा और बीनागंज वालों ने फूलों की मार से मुझे घायल कर दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।